जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं सेलॉलिज्म, यानी न्याय निगमन। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट, जिससे आपके क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, कथन निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आज के लेक्चर में हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोलिज्म में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं कथन और निष्कर्ष। आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है? तो चलिए आज कथन और निष्कर्ष। अब इसके क्या बेसिक न्यू पॉइंट्स हैं? जैसे अगर आप लोग बेसिक पहले जान लेते हैं तो इसके क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेते हैं, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है? आप लोगों को पहले अगर बेसिक सीख जाते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम के आसानी से कर लेंगे। तो देखिएगा, पहले आपका बेसिक क्या है, बेसिक पॉइंट्स जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है पूर्ण व्यापी। अभी हम जो लिखवाते जा रहे हैं आप लोग नोट करते जाइएगा, पूर्ण व्यापी सकारात्मक, रात्मक यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरऑल, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिएगा इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल यही है कि सभी सभी अमीर, सभी अमीर ईमानदार हैं, ठीक है? अब अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो आल रिच, ठीक है, आल रिच आर ऑनेस्ट, यही तो होगा। तो चलिए इसका आप लोग अगर अगर आपसे कहते कि डायग्राम बनाने के लिए, तो आप लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका डायग्राम आप लोग बना के बताइए। सभी अमीर ईमानदार हैं यानी आल रिच आर ऑनेस्ट। तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसका डायग्राम बनेगा, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेटमेंट में लिखा है क्या, सभी अमीर, तो मान लेते हैं बीच यहाँ पे आपका और रीच आ जाएगा, ठीक है, ये आपके गोले में आ गए, यानी यहाँ पे इस गोले में जितने हैं, यहाँ पे सभी जो जितने हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी अमीर हैं, ठीक है, ये क्या है, सभी अमीर हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं ईमानदार हैं, यानी ये जो सभी अमीर हैं वो क्या हैं, ईमानदार हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑनेस्ट के अंदर आ जाएंगे, ये जो सभी रिच हैं वो ऑनेस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये सब क्या हैं, अब जो रिच हैं वो सभी ऑनेस्ट हैं। समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन का मतलब यही समझिए, कहा है सभी अमीर ईमानदार हैं, ठीक है? तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने सभी अमीरों को एक गोले में रख दिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ईमानदार हैं, तो ये ईमानदार है तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए, ऑनेस्ट यानी ईमानदार में रख दिए, अंदर ईमानदार के अंदर रख दिए, ठीक है फ्रेंड। जैसे इसको समझने के लिए आप लोग एक समझिए दूसरा पॉइंट, जैसे अगर पूछा जाए कि आम, आम ठीक है, एक आम है, एक आम है, तो मान लेते हैं कई सारे आम हैं, तो ये जो कई सारे आम हैं ये क्या हैं, खट्टे हैं, तो यानी जो सभी आम हैं वो खट्टे हैं, तो ये क्या होंगे, ये पूरा मान लेते हैं ये खट्टे का एक डायग्राम है, तो ये क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, किसके, खट्टे के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे आपके खट्टे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हो सकता है इसमें सेब भी रखा हो जो खट्टा हो, अनार भी रखा हो जो खट्टा हो, लेकिन अगर आम खट्टा है तो ये खट्टे के अंदर ही तो आएगा, ठीक है, बस आप लोग यही समझिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो सभी अमीर है उसको हमने क्या कर दिया, ऑनेस्ट यानी ईमानदार के अंदर रख दिया, आप लोग समझ गए। तो ये था हमारा पहला पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स।
अब देखिए, अब दूसरे टाइप का कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर कहिएगा कि सर अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पूरा आप लोग देख लीजिएगा, 100% आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू क्या है? पूर्ण व्यापी नकारात्मक, ठीक है, पूर्ण व्यापी नकारात्मक। अब देखिएगा इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है हिंदी ऑप्स शो ल्यूट, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप सोल्यूट, ओ निगेटिव होगा, नी ये ट्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसका कैसा, अगर हम इसको समझना चाहें एग्जाम एग्जाम्पल से, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब वही एग्जाम्पल ले लेंगे जो आप अभी देखे हैं, यानी लिखेंगे यहाँ पे कोई अमीर ईमानदार, ठीक है, नहीं है, यानी अब देखिएगा, अब आप लोग पहले इसको समझिए। अब अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा नो नो रिच, ठीक है, नो रिच इज ऑनेस्ट, समझिएगा आप लोग, नो रिच इज ऑनेस्ट, यानी कोई अमीर ईमानदार नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे इसका फिगर कैसे बनेगा, मान लेते हैं यहां पे आपका हो जाएगा रिच यानी अमीर, ये क्या है, सभी अमीर है, इसको हमने क्या कर दिया, एक डायग्राम में रख दिया, यानी एक गोले में यहाँ पे लिख दिया अमीर, ठीक है। अब ये जो अमीर है, कोई अमीर यानी कोई भी अमीर, ठीक है, वो क्या है, ईमानदार नहीं है, तो ये जो अमीर है वो ईमानदार नहीं है, यानी घूसखोर है, क्या है, घूसखोर है, मतलब क्वेश्चन में समझिए, ये जो अमीर है, अमीर तो बन गए हैं लेकिन ये घूसखोर है, अगर ईमानदार होते तो उसको बहुत अच्छा होता, लेकिन ये सब क्या है, जो अमीर बने हैं वो घूसखोरी से बने हैं, ठीक है, बस आप लोग यही समझिएगा, यहाँ पे आपका अमीर हो जाएगा, उसके बाद ईमानदार नहीं है, तो जो ईमानदार नहीं है उस यानी ईमानदार नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग ईमानदार बना दीजिए, ईमानदार नहीं है, ठीक है, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। अब समझ में आ गया, यानी ये जो अमीर बने हैं वो घूसखोर हैं, अगर ये घूसखोर हैं तो ठीक है, तो ये ईमानदार नहीं है, तो इसलिए हमारा ये डायग्राम बनेगा, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर टू, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जो ये अमीर हैं, अमीर बन गए लेकिन ये घूसखोर हैं, लेकिन और क्योंकि घूसखोर हैं इसलिए हम इसको ईमानदार नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर टू। अब चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर थ्री, ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग जैसे अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते जाइए। चलिए पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं, पॉइंट नंबर थ्री क्या है, ध्यान दीजिएगा, अंश व्यापी, ठीक है, सकारात्मक। अब इसको अगर देखें तो पार्ट वाइड पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा पार्ट वाइड पॉजिटिव यानी अंशव्यापी, अब इसको अंश को हम कुछ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब अंश का मतलब समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति हैं, क्या है, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। अब कह दें कि इसका कुछ अंश मिलता है, यानी इसका कुछ अंश मिलता जुलता है, तो
तो अब अगर हमें अंश की बात करें तो मान लेते हैं इसका इतना मिलता जुलता है इसका इतना, यानी ये दोनों क्या हैं इतने, ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है सेम है, बस आप लोग यही समझिएगा। इसका मतलब यही है कि इसका कुछ अंश और इसका कुछ अंश, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। अब इसका फिगर कैसे बनेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कुछ अमीर ईमानदार हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ अमीर ईमानदार हैं। अब अभी जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है बस उसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा अमीर का डायग्राम, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है कुछ, यहां पे लगाया है कुछ अंश सम, ठीक है, ये सब लगा सकता है। तो कुछ अंश जैसे यहां पे ये इसका आ जाएगा कुछ अंश, ये क्या है ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, यानी कुछ अमीर जो हैं ईमानदार हैं, कुछ अमीर क्या हैं ईमानदार हैं, यानी ये जो कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ हैंगे जो घूसखोर होंगे, और कुछ इसमें से ऐसे अमीर हैं जो ईमानदारी से पैसा कमाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो ये ईमानदार का डायग्राम है, तो यहाँ पे ये जो आया वो कुछ अमीर क्या है ईमानदार हैं, तो इसलिए हम इसका अंश यहाँ पे आ गया थोड़ा अंश, ठीक है। तो अमीर ईमानदार का अंश क्या है, ये कुछ अमीर ईमानदार हैं, समझ में आ गया। बस यही आप लोग समझिए, जैसे क्वेश्चन का आपका मतलब यही होना चाहिए। देखिए अब अगर इसको हम हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, तो सम लिख दें, सम रिच रिच आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यही आप लोग समझिए, जैसे यहां पे हमने क्या लिखा है अमीर ईमानदार, तो कुछ अमीर क्या है ईमानदार है, तो यहाँ पे जैसे आपको अभी हमने समझाया था वो छोटा सा डायग्राम देख के, जैसे ये वाला डायग्राम कि इसके कुछ अंश क्या है इसके कुछ अंश से सेम है, ठीक है। बस आप लोग ये अगर समझ गए तो ये भी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, यानी कुछ अमीर क्या है ईमानदार है, तो यहाँ पे कुछ अमीर हो जाएंगे, ठीक है, जो क्या होंगे ईमानदार होंगे। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, चौथा, अंश व्यापी नकारात्मक, ठीक है, यानी पार्ट वाइड, ठीक है, निगेटिव। अब देखिएगा, ये अंश व्यापी नकारात्मक, ठीक है। अब जैसे अंश व्यापी नकारात्मक, यहां पे हम एक डायग्राम यहां पे बनाते हैं, एक डायग्राम यहां पे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इसके कुछ अंश जो इसके कुछ अंश से सेम नहीं है, जैसे इसका मान लेते हैं ये कुछ अंश और इसके ये कुछ अंश से, मतलब ये दोनों जो है क्या है ये वाला अंश, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं ये है, उसके बाद इसका ये है, ठीक है। कह रहा है इसका कुछ अंश इसके कुछ अंश से, यानी जो ये पार्ट वन है इसके पार्ट टू से कुछ अंश सेम नहीं है, और बाकी सभी अंश सेम है, जैसे बाकी सभी अंश ये हैं, समझिए आप लोग। ऐसे ऐसे गोला है और यहां पे ऐसे ऐसे गोला है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाले गोले और ये वाले गोले इनको सेम है, लेकिन इसके कुछ अंश से सेम नहीं है, बस आप लोग ये समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने यही तो कहा इसमें, इसके कुछ अंश से सेम नहीं है, तो आपको दिख ही रहा है फिगर में भी, और इसका और बाकी सभी अंश क्या है सेम है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिखा है कुछ
अमीर, ठीक है, ईमानदार नहीं है, समझ गए? अभी तक इस पे क्वेश्चन बेस्ड, इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इसका फिगर कैसे बनेगा? जैसे ये आपका अमीर का हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, ये आपके हो गए रिच, अमीर, ठीक है। तो कुछ अमीर क्या है? ईमानदार नहीं है, तो ये आपका हो गया ऑनेस्ट। ये पहले पूरा समझिए, ये पूरा क्या है? ऑनेस्ट है। और ये पूरा, अभी इसको भूल जाइए, ये वाला अभी भूल जाइए, पूरा क्या है? ये ऑनेस्ट है। तो पूरे में से कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसके ऑनेस्ट के कुछ ऐसे हैं जो क्या हैं? ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, यानी कुछ ऑनेस्ट नहीं है। और इसके कुछ क्या है? ईमानदार है। कुछ ऑनेस्ट रिच आदमी नहीं है। बस आप लोग यही समझिए कि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपको समझाया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा कुछ अमीर, तो कुछ अमीर यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ अमीर होंगे, ठीक है, जो ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो सकता है? यही हो जाएगा इस टाइप का फिगर, ठीक है, यानी कुछ अमीर ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही फिगर बनाइएगा और यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा, समझ गए आप लोग? तो चलिए, अब आप लोगों ने 4 पॉइंट्स आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड देखते हैं आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम आपको सिखाते हैं। अब देखिए, आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपके सामने कथन और निष्कर्ष पे बेस्ड, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीडियो को पॉज करिए, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सॉल्व करवाएंगे। ये फ्रेंड्स आपको पता है ये कब पूछा गया था? ये आपके SSC CA PFS SI दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? सभी किसान, ठीक है, डॉक्टर हैं, जो यहाँ पे किसान हैं, सभी किसान आपके क्या हैं? ये डॉक्टर हैं, यानी जो किसान हैं वो डॉक्टर हैं, यानी ये क्या होंगे? किसान डॉक्टर के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, अब ये डॉक्टर के अंदर आ गए, हो सकता है कुछ डॉक्टर क्या हों? कुछ डॉक्टर IIT वाले हों, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा है कि जो सभी किसान हैं वो क्या हैं? डॉक्टर हैं, तो जो सभी किसान होंगे वो डॉक्टर के अंदर आ जाएंगे, समझ गए? या तो इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पहले आप लोग डॉक्टर बना लीजिए, ये आपका पूरा हो गया डॉक्टर, ठीक है। अब देखिएगा, और उसके बाद सभी किसान, यानी पूरे जितने टोटल हैं, मान लेते हैं ये टोटल किसान हैं, टोटल किसान हैं वो क्या हैं? डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे किसान क्या हो जाएंगे? डॉक्टर के अंदर आ जाएंगे, समझ गए आप लोग? बस अब पढ़िए दूसरा कथन। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कह रहा है सभी डॉक्टर जादूगर हैं। अब देखिएगा, ये आपके जो सभी डॉक्टर हैं वो क्या होंगे? जादूगर के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? जादूगर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब मान लेते हैं ये आपके डॉक्टर हैं, ठीक है, और ये क्या है? जादूगर। सभी डॉक्टर क्या है? जादूगर हैं, तो इस जादूगर के अंदर पूरे डॉक्टर आ जाएंगे, समझ गए आप लोग? तो अब देखिएगा, ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पहला है, केवल निष्कर्ष देखते हैं, सभी किसान जादूगर हैं, यानी जो सभी किसान हैं वो क्या हैं? जादूगर हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो सभी, यहाँ पे देखिएगा, किसान यहाँ पे हैं और जादूगर पूरे को घेरे हुए हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, ये आपका जादूगर है, जादूगर है, कुछ लोग यहाँ पे किसान हैं और कुछ लोग क्या हैं आपके, बताइए, कुछ लोग आपके यहाँ पे डॉक्टर हैं, मान लेते हैं डॉक्टर हैं, और कुछ लोग आपके इंजीनियर हैं। तो आपको कह दे कि जो जादूगर हैं, नहीं, जो सभी सभी किसान क्या हैं? जादूगर हैं, और सभी डॉक्टर जादूगर हैं। क्यों जादूगर हैं? क्योंकि ये जादूगर के अंदर हैं, ठीक है, यानी ये जादूगर हैं, तभी तो ये किसान हुए, यानी ये किसान हैं और ये जादूगर के अंदर हैं, इसलिए सभी क्या हैं?
सभी क्या है, किसान जादूगर है। समझ गए आप लोग? जैसे इसको और समझने के लिए, जैसे यहाँ पे कहते हैं बॉय, समझिए आप लोग, ठीक है, सभी बॉय वो क्लास कहते क्लास वन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्लास वन है, तो जितने भी बॉय हैं वो क्लास के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए सभी क्लास के अंदर बैठे हैं, तो ये क्लास के अंदर, अगर यहाँ पे बाहर निकले होते हैं, ठीक है, तो ये गर्ल होती। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि जो सभी बॉय हैं वो क्या है, क्लास वन में पढ़ते हैं, तो ये आपका क्लास वन है, तो सभी अंदर बॉय बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तो अब इसका आंसर आसानी से दे देंगे, ठीक है। कथन में पहला कहा है सभी सभी किसान जादूगर हैं, तो सभी किसान जादूगर हैं, दिख रहा है ये आप आपका कथन सही गया। कोई किसान जादूगर नहीं है, तो कोई किसान, जैसे अब बताइए कोई किसान जादूगर नहीं है, तो अब अगर ये जादूगर के अंदर है, जैसे यहां पे कह दिया कि सभी बॉय क्या है क्लास वन में पढ़ते हैं, लेकिन बाहर क्या है आपकी गर्ल है, ठीक है। तो अगर ये कह दे कि कोई बॉय, ठीक है, जादूगर है, कोई बॉय क्लास वन में नहीं पढ़ता है, जो कि दिख रहा है कि पढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कथन गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो केवल कथन वन सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा, केवल कथन वन सही होगा, जो कि आपके ऑप्शन फोर में है, किसमें है, ऑप्शन फोर में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग नहीं गलत करेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा यही है, सभी ऊंट कबूतर हैं, जो ये सभी ऊंट हैं वो क्या है, कबूतर हैं, कबूतर हैं। अब आगे पढ़िए, आगे लिखा है कुछ कबूतर बाज हैं, यानी ये जो कुछ कबूतर हैं ये बाज भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाज दिख गया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दो फिगर बनेगा, एक तो फिगर ऐसे बनेगा और दूसरा फिगर आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, बस जैसा कहेगा उसका आंसर वैसा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हो सकता है कुछ बाज ऊंट भी हो, कुछ बाज क्या हो, ऊंट भी हो, तो इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। तो इस दो फिगर आप लोग बना के रखिएगा। अब आगे कह रहे हैं, अब निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष सभी ऊंट बाज हैं, तो सभी ऊंट क्या है, बाज हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सभी ऊंट बाज हैं, तो क्या दिख रहा है, क्योंकि कुछ कबूतर क्या है, बाज हैं, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अब आगे पढ़ेंगे, ये तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, कुछ बाज कुछ ऊंट बाज हैं, तो कुछ ऊंट बाज हैं इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये भी आपका पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन आपका ये भी कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, लिखा है कुछ बाज कबूतर हैं, कुछ बाज कबूतर हैं, जो कि यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है, जो कि हमारे इस कथन में भी था, तो इसलिए ये कह सकते हैं ऑप्शन आपका थ्री जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, समझ गए। अब आप आगे देखते हैं, लिखा है कुछ कबूतर ऊंट हैं, तो कुछ कबूतर क्या है, कुछ कबूतर ऊंट हैं, तो कुछ कबूतर ऊंट है, जो कि दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए सभी ऊंट क्या है, कबूतर है, तो इसको कुछ कहिए या सभी कहिए, बातें की है, ठीक है। तो कुछ कबूतर क्या है, ऊंट है, ये भी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। तो यानी आपके आप कथन जो है तीसरा सही होगा और कथन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में है, जैसे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, समझ गए आप लोग। तो इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन देते हैं, तीन क्वेश्चन देते हैं कि दो क्वेश्चन दे, चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद आपको दो क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करिए, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या है,
सभी पिलर फनल हैं, तो सभी पिलर ये क्या है, फनल हैं। क्या है, फनल हैं, समझ गए। अब पहला कथन हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कुछ पिलर स्पेंचुलर हैं, यानी कुछ पिलर स्पेंचुलर हैं। तो एक तो ये स्पेंचुलर का एक फिगर ये बनेगा और दूसरा आपका फिगर ऐसी भी बनेगा। यहाँ पे ये पिलर हो जाएंगे, ये फनल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक तो फिगर ऐसे बनेगा, स्पेंचुलर फनल के अंदर पूरा हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इसमें बाहर भी रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें अभी कंफर्म नहीं है कि सभी स्पेंचुलर फनल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बाहर भी कुछ हिस्सा रखेंगे, समझ गए आप लोग। तो अब चलिए कथन पे चलते हैं। पहला कथन लिखा है कुछ पिलर फनल नहीं है। तो कुछ पिलर फनल नहीं है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि सभी पिलर क्या है, फनल है। तो इसलिए हमारा कथन फर्स्ट हो जाएगा गलत। तो चलिए अब दूसरा कथन पढ़ते हैं। कुछ स्पेंचुलर पिलर हैं, यानी कुछ स्पेंचुलर क्या है, पिलर है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपके कथन में दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए हमारा कह सकते हैं कि दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में दूसरा निष्कर्ष होगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जैसे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इसलिए हाँ, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि हमने अभी सॉल्व करके पता किया। तो इसलिए हमारा कह सकते हैं ऑप्शन दो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कल आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल के लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।